Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with गौरी मैम। हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी की जो एग्ज़ाम है TIFR वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, उस एग्ज़ाम में पेपर 2020 में बायोजियोग्राफिक रियाम के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमने सोचा इस टॉपिक को डिटेल में जान लेते हैं ताकि आपकी वाली एग्ज़ाम में अगर किसी और बायोजियोग्राफिक रियाम के बारे में पूछा जाए तो वो सॉल्व करते आना चाहिए। तो आइए आज जान लेते हैं व्हाट इज बायोजियोग्राफिक रियाम। ये बेसिकली अर्थ को हम डिवाइड करते हैं किसके हिसाब से। दिस इज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अर्थ पर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से अर्थ को डिवाइड किया जाता है, अर्थ लैंड अर्थ को। सो दैट इज अ नोन एज बायोजियोग्राफिक रियाम। फर्दर बायोजियोग्राफिक रियाम को हम डिवाइड करते हैं बायो रीजन में, और बायो रीजन फर्दर डिवाइड होते हैं इको रीजन्स में। ठीक है, बायोजियोग्राफिक रियाम को इको जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन कौन से है बायोजियोग्राफिक रियाम, इसके बारे में जानकारी ले लें। पैलियार्टिक बायोजियोग्राफिक रियाम जो है वहाँ पर कौन सा एरिया आता है, देखिए द बल्क ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। नियार्टिक जो है दैट इंक्लूड्स ग्रीनलैंड एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अफ्रोट्रॉपिक दैट इज ट्रांस सहारन अफ्रीका, मदागास्कर एंड अरेबिया। नियोट्रॉपिक में आते हैं साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, साउथ फ्लोरिडा, फॉकलैंड आइलैंड्स। इसके अलावा ऑस्ट्रेलेशिया जो है दैट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया, मलानेशिया, न्यूजीलैंड, लेसर संदा आइलैंड्स, सुलावेसी एंड नेबरिंग आइलैंड्स। इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री जो है दैट इज नोन एज वालास लाइन, जिसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो फिर इंडो मलया जो बायोजियोग्राफिक रियाम है इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ग्रेटर संदा आइलैंड्स। ओशिनिया में पॉलिनेशिया एक्सेप्ट न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया एंड फिजान आइलैंड्स। और अंटार्कटिका में आते हैं अंटार्कटिका, अलेक्जेंडर आइलैंड, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड्स। तो इस तरीके से हमने आज जानकारी ले ली व्हाट इज बायोजियोग्राफिक रियाम एंड विच आर दे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम के लिए ज़रूर काम आएगी। इसके साथ आज का वीडियो मैं कंक्लूड कर रही हूँ। आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए इकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।